सभी चीज़ मिलती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। याद रखें दोस्तों, अपनी कमियां पूरी दुनिया से छुपाइए, परंतु अपनी कमी कभी भी खुद से मत छुपाइए। अपनी कमी खुद से छुपाने का मतलब होता है आप अपनी उन्नति रोकते हैं। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है और ना प्रयास करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपनी कमियों को पहचानें, सुधारें और प्रयास करते रहें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा घनीसा, मेरा नाम है अनामिका। एंड कोमल, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, आपने बहुत ही खूबसूरत बात के साथ आज के शो की शुरुआत की है। जब हम प्रयास की बात करते हैं तो अगर महिलाएं प्रयास करें तो क्या कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में, राइट? मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे जब मैं आपको मिलवाऊंगी आज की शो में हमारी खास मेहमान से। लेकिन उनको मिलवाने से पहले उनकी शख्सियत को बयां करता इशरत आफरी साहिबा का एक कलाम है जो मुझे याद आ रहा है। वो कुछ इस तरह से है कि ये नाजुक सी मेरे अंदर की लड़की, ये नाजुक सी मेरे अंदर की लड़की, अजब जज्बे अजब तेवर की लड़की, यूं ही जख्मी नहीं है हाथ मेरे, तराशी मैंने एक पत्थर की लड़की। हवेली के मकी तो चाहते थे कि घर ही में रहे घर की लड़की। बहुत बढ़िया। हवेली के मकी तो चाहते थे कि घर ही में रहे घर की लड़की, पर बिखर कर शीशा रेजा रेजा, सिमट के फूल से पैकर की लड़की। तो आप पूरा इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से जब आप मिलेंगे हमारी आज की खास मेहमान से, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजंस हैं, 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर, मिस मालिनी अग्रवाल हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तो मैम इतना स्ट्रांग प्रोफाइल आप होल्ड कर रही हैं, मतलब बोलने में तो मेरी जबान फिसल रही थी, लड़खड़ा रही थी। मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी जीवन का जो दर्शन है, जो मंत्र है, लाइफ फिलॉसफी, वो क्या है? मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, लेकिन उन चैलेंजेस को हमको देख करके घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसिडेंट लाइफ में हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें स्ट्रांग बनाता है और हमें एक एक्सपीरियंस देता है, और अगर हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम जीवन के सफ़र की हम बात करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बचपन जी, तो कहाँ आप पले बड़े, कैसा आपका बचपन रहा? देखिए, मेरी परवरिश शुरुआत में तो लखनऊ में हुई और उसके बाद दिल्ली में हुई जी। सो मैं अपनी जो शिक्षा है वो लखनऊ और दिल्ली से करी है, और मैं मास्टर्स हूँ, एम एस सी हूँ बॉटनी में, और बचपन अच्छा ही बीता। वो दिन बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे थोड़ा सा लड़कों वाले खेल भी ज़्यादा पसंद थे। अच्छा, पतंगे उड़ाना, कंचे खेलना, अच्छा। उस तरह की चीज़ें भी करती थी और किताबें भी पढ़ती थी, पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, और उस तरीके से बचपन बहुत अच्छा था। और उसके बाद में आगे भी, मतलब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते गए तो नेचुरली पढ़ाई पर थोड़ा फोकस ज़्यादा होता गया, पढ़ने में अच्छे थे हम, और फिर उसके बाद में यूपीएससी दे दिया और फिर आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो जब आप छोटी थी, किस तरह की घर में बेटी थी आप? शरारती थी, इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रोवर्ट थी? पेरेंट्स की डांट पड़ती थी कि पढ़ो? पढ़ने के लिए तो डांट कभी नहीं पड़ी, शरारते भी थोड़ी थोड़ी करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं थी। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा अपनी दुनिया में ही मस्त रहती थी, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था जी, तो वो एक शौक था जो मुझे लगता है कि आगे जाकर भी बहुत उससे मदद मिली। मैम आप बचपन की हम बात कर रहे हैं, अनामिका और मैडम के चेहरे पे हंसी आ गई, तो कहीं ना कहीं वो शरारतें ऐसी होती हैं बचपन की जो आज भी याद करके हमको चेहरे पे एक हंसी का एक हमको महसूस होता है, तो ऐसी कोई यादगार पल जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अपने दोस्तों के साथ में होते हैं, मुझे ध्यान है कि हम स्कूल में थे तो हमारे दोस्त हैं, टीचर पढ़ा रही थी जी और क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो हमारे एक हमारी फ्रेंड ने, वो गम की बॉटल होती है, तो अच्छा। गम की बॉटल पूरी सीट पर डाल दी और फिर मैं बैठ गई और मुझे लगा कि क्या है ये, और उसके बाद मैं मैं इधर उधर देख रही हूँ कि किसने किया किसने किया, एंड टीचर मुझे खड़ा करके बहुत ज़ोर से डांट रही है कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, राइट? सो आई एम सो कन्फ्यूज, एनी वे सो दिस थिंग जस्ट वेंट बाय, एंड आफ्टर टू ईयर्स सेम क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग मी वाज आस्क्ड बाय द क्लास टीचर कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, देन माई फ्रेंड
she got up and she told this ki we all laughed so much kyunki humne wahan pe wo gum ki bottle puri ki puri dal di thi is tarike se aur ye wahan par baith gayi thi. So this always kind of, you know, whenever I think about it, I really feel that it was very, very funny, but I never came to know about it. दो साल बाद जाके पता लगा. दो साल बाद इस राज से पर्दा उठा. ये तो रही स्कूलिंग की बात. कॉलेज डेज में आप किस तरह से चीज़ों को, चैलेंजेस को हैंडल करती थी? क्या कॉलेज डेज में भी सिंपल सोबर थी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना आपका शौक था? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाइक क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है, सो नेचर क्लब, क्विजेस, इन सब में बहुत पार्टिसिपेट करती थी. और बाकी स्टडी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ रहती थी उनमें ज़्यादा रहते थे इतना. और उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उस टाइम पर इंटरेस्ट नहीं रहता था. आप MSc बॉटनी हैं मैम, और हमने सुना है कि अगर आप IPS ऑफिसर नहीं होती तो शायद वैज्ञानिक होती. तो आपका IPS की तरफ जाने का पहले से ही निश्चित हो चुका था या आप किसी से प्रेरित होकर के इस तरफ जाना हुआ? एक तो फैमिली में मेरे पेरेंट्स का और बाकी फैमिली मेंबर्स का बहुत, ख़ास तौर पर मेरी बुआ जी हैं, उनका बहुत इंक्लिनेशन था कि मैं UPSC में जाऊँ और एग्ज़ाम दूँ. तो नेचुरली फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में ही मैंने ये एग्ज़ाम दिया और क्योंकि इसमें सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने ज्वाइन भी कर लिया. और हमारे परिवार में एक्चुअली विमेन जो है उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो शुरू से काफ़ी हाई था और सभी काम करती थी. देवर ऑल वेल प्लेस्ड एंड सो आई गॉट दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इन माई हाउस वेर आई हैव सीन ऑल द विमेन वर्किंग. सो नेचुरली आई वॉज सो मच इंस्पायर्ड टू वर्क and contribute. And when I got through the IPS, those days in 94, it was not so common. Right. Though common, yes. 25 साल हो गए. बिल्कुल. तो फिर भी मेरे घर में किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये पुलिस की नौकरी है, टफ होगी, मत जाओ. They all encouraged me. And in fact, they were very happy. बहुत खुश थे सब लोग. तो मुझे लगता है कि it was an achievement. And मैंने join कर लिया. लेकिन हाँ, आपका जो दूसरा question का part है, अगर UPSC clear नहीं करती, सो डेफिनेटली मेरा रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था. मैं बायोटेक्नोलॉजी में एक करियर बनाना चाहती थी एज अ साइंटिस्ट. क्या बात है, क्या बात है. तो दर्शकों को भी कनेक्ट कर लेते हैं कोमल हमारे शो के साथ में. आज बहुत ही खास मेहमान आज धरती धोराडी के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ी हैं. आप हैं मिस मालिनी अग्रवाल, IPS ऑफिसर हैं 1994 बैच की और वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजंस हैं. तो मैम से अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आई एम श्योर आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आप डायल कर सकते हैं हमारे नंबर्स 01412704098 एंड 01412704999. तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं मैम. ये तो बात हुई स्कूल की, कॉलेज की. कॉलेज के दिन की कोई खास बात याद आ रही है क्या? क्या क्लासेस बंक करते थे, फिल्म्स देखने जाया करते थे? या क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि अगर UPSC क्रैक किया है तो ये तो बिल्कुल स्टूडियस रहे होंगे, लाइफ एंजॉय नहीं करते होंगे, ऐसा कुछ था क्या? कॉलेज के दिनों में क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स थोड़ा सा सीरियस होते हैं, तो नेचुरली वो आपको लैब एक्टिविटीज रहती है, क्लासेस रहती है, तो इतना तो शायद मौका नहीं मिलता है. बट फिर भी कभी कभार तो हम लोग भी क्लासेस बंक करते थे. अच्छा. और जैसे बोल रहे हैं आपकी मूवी भी देखने जाया करते थे. बिल्कुल. तो फेवरेट फिल्म के बारे में भी पूछ लेते हैं आपसे. फिल्में देखने का अभी भी शौक रखती हैं? फिल्में देखने का शौक रखती हूँ, हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता है अब, लेकिन हाँ कभी कभार जब भी मौका पड़ता है तो देख लेती हूँ. मैडम, IPS में आपका सिलेक्शन हुआ, पहली खबर आपको किसने दी और आपने पहली खबर घर में किसको दी? और साथ ही एक मेरा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसी समय पर रिश्तेदार और परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे साथ में, और उन्होंने जो है मुझे फ़ोन किया कि शायद हो सकता है, शायद हो सकता है. कई बार कुछ लोग जो थोड़ा सा एडवांस जानकारी रखते हैं, तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर वो रिजल्ट्स तो आ ही जाते हैं. मुझे जो पता लगा था वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आया था. तो उसमें आई सॉ माय रोल नंबर एंड नेचुरली फिर इट वॉज अ नाइस मोमेंट. अच्छा लगा, घर में सबको अच्छा लगा, दे वर हैप्पी. तो UPSC क्रैक करने वाली पहली सदस्य आप थी अपने परिवार में या पहले भी किसी ने किया था ऐसा? मेरी इमीडिएट फैमिली में मैं पहली थी. अच्छा. तो आई एम श्योर घर में बहुत ही खुशी का माहौल रहा होगा. अगर आपसे बात करें उस प्रिपरेशन टाइम की, 25 साल पहले, 26 साल पहले जो आपने पढ़ाई की, जब आपने प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू भी आपने सारे के सारे आपने क्लियर किए, फिर आप सिलेक्ट हुई, वो टाइम कैसा था?
क्योंकि मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उसके साथ ही साथ जो है इसकी तैयारी कर ली थी देने के लिए, तो इतना ज़्यादा तो नहीं आया ज़ोर, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे मेरे वो भी वही थे जो मैं पढ़ रही थी अब तक तो। और जनरल स्टडीज़ में क्योंकि क्विज़ में हमेशा बचपन से ही थोड़ा सा जनरल नॉलेज में शौक़ भी रखती थी, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी ये है कि इतना आसान भी नहीं है, एक थोड़ा डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना पड़ता है, बट वो एक साल मैंने बिल्कुल पूरा फोकस्ड तरीके से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगाया और फिर उसी में फिर सिलेक्शन भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत तो आप बहुत ही शार्प स्टूडेंट रही होंगी, क्योंकि विद इन वन ईयर इस चीज़ को प्रिपेयर करना, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना, फिर उसको क्रैक करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने कितने घंटे पढ़ाई करती थी मैम? थोड़ा पढ़ना तो पड़ता है, आई मीन ऑफकोर्स अबाउट मेंस जब अपेयर करते हैं वही ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, सो उसमें करीब 12 से 15 घंटे पढ़ाई हो जाती थी रोज़, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती थी। मैम आपका आईपीएस में सिलेक्शन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, शुरुआत जो होती है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग एक पूरी लाइफ का एक यादगार मोमेंटम होता है, तो वो कोई यादगार पल आपके ट्रेनिंग के रहे हो तो हम चाहेंगे आप हमारे साथ शेयर करें। ट्रेनिंग में हम लोग का जो एक फाउंडेशन कोर्स होता है वो तो होता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में मसूरी में, राइट, तो वही पहला इंटरेक्शन होता है आपका जो आप एक जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, मेरे ब्रदर भी थे, मेरी आंट भी थी, और बड़ा ही मतलब एक अंदर से बड़ा एक्साइटमेंट होता है इतने सारे लोगों से मिलके, और वो एकेडमी भी बहुत अच्छी थी, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस फीलिंग। और उसके बाद में फिर जो है जो एक्चुअल पुलिस ट्रेनिंग है जो हमारी, वो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, वहाँ पर जाकर एक बार जो हम लोगों ने सुना था कि ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ, तो वो थोड़ा सा एक मेंटल ब्लॉक होता है, लेकिन वो तब तक ही होता है जब तक आप वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमीज इन द वर्ल्ड, और वहाँ पर जो फैकल्टी थी वो हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर आउटडोर्स होते थे मिस्टर अतूरी, अभी वो डीजी हैं देहरादून में उत्तराखंड के, और ही वाज वेरी टफ, लेकिन उनका एक जो बड़ा अच्छा था कि उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स में, एंड ही ऑलवेज सेड कि यू हैव टू पुश योर लिमिट्स नो, और मुझे लगता है कि उसका ही नतीजा था कि मुझे, क्योंकि मैं बहुत आउटडोर टाइप नहीं थी उस टाइम पर, और मुझे जो वहाँ पे पूरा जो हमारे ट्रेनर्स थे और बाकी जो स्टाफ था और ऑफिसर्स थे वो बहुत मोटिवेट करते थे, और उस वजह से फिर आई लिटरली पुश्ड माई सेल्फ एंड आई फेल्ट कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती थी, हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकती थी, स्विमिंग करना भी नहीं आता था, वॉल क्लाइंबिंग कर लीजिए, ऑब्स्टिकल्स, वेपनरी मतलब आर्म्स, एमिनेशन, आई मीन कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 करके वो मतलब उस ट्रेनिंग की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होती है, अब जाके जब मैं सोचती हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे लगता है कि आज भी नहीं भूली हूँ। तो जो एक टफनेस है जो आपको जॉब में एक जज्बा देती है, एक पैशन देती है, और एक मोटिवेट करती है और कॉन्फिडेंस देती है, वो आई थिंक वही ट्रेनिंग है। क्योंकि पुलिस सर्विसेज जो मानी जाती है कोमल, मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, पुरुषों का इसमें वर्चस्व होता है, ऐसे में किसी महिला का सामने निकल करके आना, आईपीएस ऑफिसर बन के अपने देश का, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करना, तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े क्या उस दौरान? बिकॉज फीमेल बॉडी जो होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती एज कम्पेयर टू मेल बॉडी, फिजिकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, तो इस ट्रेनिंग के दौरान कभी आपको लगा इन्फीरियर कि नहीं यार ये वो कर सकते हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कभी हुआ? कभी कभी ऐसे मौके आते थे जब हम देखते भी थे कि नेचुरली जो हमारे मेल कलीग्स हैं दे आर डूइंग बेटर देन अस, बट देन अगेन आई विल से इट इज हैट्स ऑफ टू आवर ट्रेनर्स दैट दे ऑलवेज सेड कि मैडम आप भी कर सकती हैं, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, और फिर हमारे साथ लगते थे, ये नहीं है कि फिर छोड़ देंगे कि आप खड़े हो जाइए बिकॉज यू नो यू आर अ फीमेल ऑफिसर, नो ऐसा नहीं था। और शायद उसी वजह से फिर जब आप बात कर रहे हैं कि हम जॉब में आ गए,
तब भी उस तरीके की फीलिंग नहीं आती कि आप जो है अपने मेल काउंट पार्ट से या मेल कलीग से किसी भी तरीके से कम है। आपको हमेशा वो कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्या बात जी है? जी जी, हम बात कर रहे हैं मैम आपकी फर्स्ट पोस्टिंग की, जब आपने वर्दी पहनी और हमने सुना है आपको वर्दी से बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ा लगाव है, तो वो फीलिंग्स कैसी रही आपकी? वो तो नेचुरली एकेडमी में जब गए वहीं सबसे पहली बार वर्दी पहनी और पहनना सिखाया भी गया, बिकॉज वर्दी पहनने का भी एक तरीका होता है। एक टर्नआउट जो है पुलिस में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और हम लोग बड़े मतलब सेंसिटिव हैं उस बात को लेकर, बड़े इमोशनल भी होते हैं। तो नेचुरली वर्दी जब मैंने पहनी पहली बार बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं पहचान भी नहीं पाई अपने आप को, क्योंकि मैंने एनसीसी भी नहीं कर रखी थी जो कभी मौका मिला हो ऐसा। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड, दैट वाज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। इमोशनल मोमेंट भी रहा होगा? यस, इमोशनल भी था बिल्कुल। उसमें फिर फोटो भी खिंचवाए क्योंकि उसकी कवरेज होती है वहाँ पे, सारी एक्टिविटीज की कवरेज होती है। सो फिर वो फोटोज मैंने फिर घर भी भेजे थे, मुझे अच्छे से याद है। क्या बात है, क्या बात है मैम। तो ट्रेनिंग के दौरान का कोई खास इंसिडेंट याद आ रहा है कि जैसे आपने कहा हॉर्स राइडिंग आपको नहीं आती थी, आपने सीखा, स्विमिंग आपको नहीं आती थी, वो भी आपने सीखा, तो वो पहली बार जब इस चीज को ट्राई किया वो कैसा था एहसास? पहली बार कोई भी चीज़ करते तो थोड़ा सा तो अंदर से एक हेजिटेशन होता है, तो वहाँ तो हर चीज़ ही नहीं थी, चाहे वो परेड कह लीजिए, चाहे वो पीटी कह लीजिए, चाहे वो इवन जो चक्कर लगाने पड़ते थे ग्राउंड के सवेरे सवेरे, सबसे पहला तो चैलेंज यही था 5 बजे सवेरे उठना, क्योंकि आदत नहीं थी। तो नेचुरली पहले एक महीने तो यही लगता रहा कि कहाँ आ गए, यू नो, सवेरे सवेरे कहाँ उठ जाते, वो बिगुल बजती थी एंड देन यू नो यू हैड टू गेट अप, देयर वाज नो ऑप्शन, एंड देन यू नो इमीडिएटली यू गो फॉर योर यू नो फिजिकल एक्टिविटीज एंड देन योर पीटी, देन परेड, देन ऑफ कोर्स इवनिंग में हम लोगों की हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग क्लासेस होती थी, हमारी वेपन्स ट्रेनिंग होती थी। तो शुरू शुरू में सब कुछ नया था, फायरिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी, हर तरीके के हथियार के बारे में बताया जाता था। तो शुरू में एक एक्साइटमेंट भी रहता है लेकिन अंदर से हेजिटेशन भी रहता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तो हो जाता है वो, और अच्छा लगता है और उसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी रहती है। लेकिन हॉर्स राइडिंग का जहाँ तक मैं एक इंटरेस्टिंग बताऊँगी, मुझे हॉर्स से बड़ा डर लगता था, तो मैं हॉर्स पे एक बार जो फर्स्ट हमारी राइडिंग क्लास थी तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हॉर्स ही था, क्योंकि अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आपको डर लगता है ना तो वो हॉर्स जो है और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समझ भी जाता है, ज़्यादा फनी एक्ट करता है। तो वो राइडिंग स्कूल में हम लोग चक्कर लगा रहे थे, ट्रॉटिंग हो रही थी, तो ट्रॉटिंग में ही यू नो थोड़ा सा हॉर्स इधर उधर गया एंड यू नो आई गॉट रियली स्केयर्ड, तो आई स्क्रीम्ड, तो वो हॉर्स और ज़ोर से दौड़ा, लिटरली यू नो आई फेल्ट आई डोंट नो। एंड one thing I did, I got comfortable with one horse. Achha. So we are supposed to change horses. Achha. But most of the times, जब हम riding school में जाते थे, तो हमको लगता था कि दौड़ के जाके बस उसी horse को पकड़ लिया जाए सबसे पहले, कोई नहीं ले, उस वाले घोड़े के साथ हो गई। और जब मैंने exam दिया उस horse के साथ में, तो literally I am telling you कि I think it was not me but my horse, you know, which was actually doing it. The exam, you know, it was perfect. Very nice. क्या बात है। अनामिका training की इतनी मैम को यादें हैं, और एक सबसे अच्छी बात, मैम प्रतिनियुक्ति पे भी रही हैं डेपुटेशन पे, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, नवंबर 2011 से और अप्रैल 2013 तक। तो मैम पहले की ट्रेनिंग में और अभी की ट्रेनिंग में आपको कितना अंतर फील हुआ, और आप उसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज ए ऑफिसर आप अपॉइंट हुई, तो आपके कैसा फील किया आपने? देखिए मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग स्किल्स और ट्रेनिंग में अपग्रेडेशन होता रहता है, बिकॉज वो जो है ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है कि क्राइम पैटर्न्स बदलते रहते हैं, पुलिसिंग के पैटर्न बदलते रहते हैं, सोसाइटी के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से। सो नेचुरली उस हिसाब से जब मैं वापस गई तो मुझे एकेडमी कहीं और पहले से ज़्यादा उसका स्तर ऊँचा लगा। बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, बेटर इक्विपमेंट, हम लोग के टाइम पे कंप्यूटर्स वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, आजकल सब कुछ बच्चे ऑनलाइन अपना लैपटॉप लेके जाते हैं क्लासेस में, एंड दे आर वेरी मच यू नो अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एंड आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, सेम क्लासेस, यू नो आई वाज यू नो टॉट स्टूडेंट बन के बैठती थी बिल्कुल। तो आज वहाँ पर जो है मैं इतने सारे ऑफिसर्स को, ऑफिसर ट्रेनिंग्स को पढ़ाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। बट वो लोग बहुत जागरूक हैं, क्योंकि whenever you know you are teaching them something you have to be very well prepared because they can always google right. and ask you back right. yes so but it was good fun, it was good fun, yes. तो आपका ताल्लुक लखनऊ से भी रहा है जी जी, तो एक सवाल तो बड़ा बनता है जाहिर सा है कि क्या शेरो शायरी का शौक भी आप रखती हैं कविताओं का? देखिए लखनऊ शहर तो मतलब एक अलग ही शहर है, और उसकी चाहे जुबान को ले लें और बाकी वहाँ का जो कल्चर है,
डेफिनेटली बहुत खूबसूरत है सब कुछ. शायरी करनी तो नहीं आती लेकिन शायरी में इंटरेस्ट रखती हूँ. अगर कोई मतलब ऐसा मुशायरा चल रहा है या है तो इंजॉय करती हूँ उसको. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है. अनामिका, एक मैम का डेपुटेशन पे एक और सवाल पोस्टिंग हुआ है और बड़ा ही एक अपने आप में चैलेंजिंग है. सीआरपीएफ. अच्छा? जी जी. आप उसमें सीआरपीअप में आपका पोस्टिंग रहा का अप्रैल 2013 से और 15 जून 15 तक. जी जी जी. तो सीआरपीएफ की जो फोर्स है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स में से आती है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उस फोर्स को मोस्टली डेपुट किया हुआ है. तो वो आपका एक चैलेंजिंग मेरे हिसाब से रहा होगा, तो आपको कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीआरपीएफ में जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसमें मुझे काम करने का मौका मिला. मैं इसके लिए भी काफ़ी मतलब अच्छा महसूस करती हूँ इस बारे में कि एक्सपोजर हुआ, क्योंकि वो लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड की. और उसमें भी मुझे रैपिड एक्शन फोर्स में डीआईजी के पद पर काम करने को मिला, द ब्लू फोर्स, और जो कि बेसिकली रायट्स और रायट लाइक सिचुएशंस और इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने में बहुत एक्सपर्ट मानी जाती है. दे आर इक्विप विद ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड गियर. एंड जब भी कहीं बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेट्स में भी, तो देन आरएएफ को भेजा जाता है. तो उस हिसाब से भी वो चैलेंजिंग था और बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थे बहुत सीरियस तरीके के, जिनमें मुझे उसको बहुत करीब से जो है मॉनिटर करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला और हैंडल करने का मौका मिला. तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था. और उसके अलावा भी सीआरपीएफ का जो पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर है उसमें काम करके, वहाँ के ऑफिसर्स के साथ में इंटरेक्ट करके बहुत बहुत मतलब एक अच्छी फीलिंग भी आई और एक तजुर्बा भी पड़ा. जी जी, बहुत बढ़िया. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत. मैम, पिछले 25 साल से लगातार आप इसी तरह से काम कर रही हैं. हम आपकी फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में भी जानेंगे, उसके अनुभव भी, लेकिन उसके पहले मैं आपका डेली रूटीन जानना चाहती हूँ. आपका अमूमन शेड्यूल क्या होता है? मेरा अमूमन जो है, मैं करीब 6:30-7 बजे तक आई गेट अप, देन समटाइम्स आई गो फॉर अ रन or maybe then I just walk, and after that then I take my tea, read newspapers, and then I get ready and go to office. So office is naturally sometimes it is beyond 6 also. 6 baje ke baad mein bhi baithna pad jata hai kai baar. Phir ghar aake wahi normal hai, apni family mein thoda sa baith sakte hain. और फिर डिनर करके यूजुअली आई गो ऑफ टू स्लीप अराउंड 10:30. हाँ, ये तो वैसे शेड्यूल है कोमल, बट मैंने सुना है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं दे ऑलवेज हैव टू बी ऑन देयर टोज. पता नहीं आपको कब कहाँ से कोई कॉल आ जाए और आपको वहाँ पर जाना पड़ जाए. इसमें कोई शक नहीं है, जो भी मेरी फील्ड पोस्टिंग्स थी इससे पहले उसमें और अभी भी, क्योंकि ये प्रिजंस में भी सेंसिटिविटी बनी रहती है, कॉल्स कभी भी आ जाते हैं. मैं मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करती हूँ, और अगर आप मुझे 1 बजे रात को भी फ़ोन करेंगे आई विल पिक अप माई कॉल. ऐसा नहीं है, वो आदत भी पड़ जाती है अपनी. एक आपका माइंड जो है ऑटो अलर्ट मोड में रहता है, तो उस हिसाब से जो है मुझे लगता है कि आप सही फरमा रहे हैं कि हम लोग जो हैं, इवन दो वी आर नॉट ऑन ड्यूटी बट देन वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी. क्या बात है. तो फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में मैम बात करें, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, कई साल पीछे, जब आपकी पहली पोस्टिंग आई, तो वैसा वो अनुभव क्या था, वो दौर कैसा था और कैसा महसूस कर रही थी, क्या चैलेंजेस आए या सब कुछ बिल्कुल सुखमय तरीके से गुजरा? नहीं नहीं, चैलेंजेस होते हैं. देखिए, अगर लाइफ बहुत स्मूथ चलती रहेगी ना तो फिर तो आपको फिर उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता लगेगी ना. सो चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहते हैं. मेरा जो पहला मतलब एज अ प्रोबेशनर आई वेंट टू कोटा. जी. सो वहाँ पर मिस्टर एनआरके रेड्डी जो अभी डीजी प्रिजंस भी हैं, अभी दोबारा तीसरी बार एक्चुअली सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो ही वाज देयर एंड ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर. तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उनके अंडर में ट्रेनिंग करने का मौका मिला. वो खुद इंटरेस्ट लेते थे, बारीकी से एक एक चीज़ को देखते थे, और उन्होंने मुझे बहुत सारा काम सिखाया पुलिसिंग से रिलेटेड. और बहुत ही सेंसिटिव और पेचीदा टाइप के जो मामले होते थे उसमें वो हमेशा मुझे भेजते थे. तो और कोटा में उस टाइम पर एक्चुअली क्राइम रेट भी काफ़ी हाई था. अब जो है एक अलग तरीके की मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा चलता रहता था, तो हम लोग जो है दिन भर व्यस्त रहते थे. लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, और शायद वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी जिसकी वजह से ही जो है आगे भी मैं अपना काम बखूबी निभा पाई. क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अनामिका मैम एसपी रही हैं जालौर ट्रैफिक जयपुर, एज ए एसपी आप रही हैं,
काफी राजस्थान खासा बिल्कुल, पसंद बिल्कुल, है बिल्कुल, तो आप एज एसपी जालौर का आपका कार्यकाल कैसा रहा? 2001 से 2003 काफी लंबा समय होता है एज एसपी, तो आपकी क्या अनुभव रहे? देखिए ऐसा है कि जैसे जो पहला जिला होता है एज डिस्ट्रिक्ट एसपी वो आप कभी भूल नहीं सकते बिकॉज नेचुरली आपका बड़ा पैशन रहता है काम करने के लिए। तो मैं वहाँ पर करीब 3 साल के आसपास रही, 2.5 और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये बॉर्डर का ज़िला है और बहुत सारी सिचुएशंस भी ऐसी आई, कानून व्यवस्था की स्थितियाँ भी बनी, वीआईपी विजिट्स भी आई, क्राइम भी होता था। छोटा ज़िला था तो सीखने के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, और क्योंकि ये मारवाड़ का हिस्सा है तो बहुत मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था। मारवाड़ के लोग भी बड़े मतलब बहुत सम्मान दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से रखा और बहुत कोऑपरेट किया जी। और मैंने जो कम्युनिटी पुलिसिंग का ये कंसेप्ट है एक्चुअली वहाँ पे प्रैक्टिकली देखा कि लोगों से अगर आप जुड़ते हैं जी जी। तो वाकई में वो आपको बहुत सम्मान देते हैं और आगे बढ़ चढ़ कर आपकी हेल्प करते हैं आगे। ओके। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें जस्ट बिकॉज लोगों के साथ में मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी कि वो अवॉइड हो गई और कोई इस तरीके की दुर्घटना नहीं हुई। कम्युनिटी पुलिसिंग की मैडम ने बात करी, हमारे जो राजस्थान पुलिस का मुख्य जो मूल मंत्र है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, तो पुलिस और पब्लिक रिलेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें होता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, कम्युनिटी पुलिसिंग, इसको हम जितनी प्रायोरिटी देंगे उतना ही शायद हम अपराध को रोकने में हमको समाज से भी मदद मिलेगी। तो आप इसमें और क्या क्या करने जा रहे हैं या ऐसा पुलिस विभाग क्या करने जा रहा है? देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग जो है हमेशा से देखा जाए तो एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था के बैकबोन कह सकते हैं आप, क्योंकि हम चाहे टेक्नोलॉजिकली जितने भी एडवांस हो जाएं, हम एडवांस मेथड्स ऑफ पुलिसिंग को अप्लाई कर लें, लेकिन जो हमारी बेसिक मतलब इंटेलिजेंस है जहाँ से आती है वो हमारे वन टू वन इंटरेक्शन से ही आती है। और अगर वो हमारा जो पहलू मजबूत होगा, अगर पुलिस के पब्लिक के साथ में रिलेशंस अच्छे होंगे, सो नेचुरली हम जो हैं अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो सूचना का आदान प्रदान है वो बहुत एफिशिएंट रहता है, लोग जो हैं आके फिर जो है बताते हैं। आई रिमेम्बर मैं जहाँ भी रही हूँ मैंने हमेशा जो है अपने सोर्सेज डेवलप किए, अपना इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया और हमेशा लोगों से टच में रही, बनाए रखा, और उसका ये नतीजा रहा कि कई बार नीचे हमारे ऑफिसर्स को सूचना नहीं मिलती थी बट वो लोग जो है डायरेक्टली अपने को दे देते थे। राजस्थान में इसमें बहुत काम हुआ है, अभी जन सहभागिता शिविर भी बहुत चल रहे हैं जिसमें सीनियर ऑफिसर्स भी जाकर के हिस्सा लेते हैं, और सीएलजी मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं, उसका एक अकाउंट होता है, हर ऑफिसर को देना पड़ता है कि आपने कितने सीएलजी मीटिंग्स करे। तो इस हिसाब से जो है राजस्थान में जो है कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसको एडॉप्ट किया गया है और ये हो रही है। एज अ लेमैन अगर हम जानना चाहें कोमल, तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो है मैम इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और किस तरह से पब्लिक जो है डायरेक्टली आपके टच में आके या आपसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकती है? सीएलजी मेंबर बनने के लिए नेचुरली आपको जो है आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आप वाकई में जो है पुलिस के साथ में जुड़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है आपको पुलिस स्टेशन पर या डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस में सीनियर लेवल पे जो है आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, देखना चाहिए, और उसकी हम भी जांच पड़ताल करते हैं, वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में जो है सीएलजी मेंबर्स बनाए जाते हैं, उनका एक फिक्स टेन्योर होता है और उस टेन्योर के बाद में उनको चेंज करके रोटेट करके फिर दूसरे मेंबर्स आते हैं, वो जो है फिर व्यवस्था में जो है अपना वो देते हैं। बेसिकली वो जो है सीएलजी मेंबर्स पुलिस और जनता के बीच की एक कड़ी है कि हम उनको जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं, और जो आम आदमी हमारे तक लाना चाह रहा है वो हमारे तक आ जाएगा। वैसे भी और बहुत सारे चैनल्स हैं बट ये भी एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। बहुत बढ़िया। मैम एक जॉब के दौरान एक आपका लंबा पीरियड रहा अजमेर जी एज आईजी, 2015 से 18 तक आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा, वो एक अनुभव कैसा रहा आपका? जब मैं आईजी के पद पर गई नेचुरली सीनियर हो गई थी, तो बेसिकली एक सीनियर ऑफिसर का काम यही होता है कि अपने जो एसपीज हैं और अपने जो बाकी दूसरे ऑफिसर्स हैं कलीग्स हैं उनको जो है गाइडेंस देना। मैंने हमेशा से लाइफ में एक फिलॉसफी रखी है कि क्योंकि डिफ़िकल्ट रेंज थी, चैलेंजेस बहुत सारे थे और प्रॉब्लम्स बहुत आती रहती थी, लेकिन ये है कि मैंने अपने ऑफिसर्स को हमेशा सपोर्ट किया है और उसका ही ये नतीजा रहा कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता था कि हम जो है किसी भी सिचुएशन को
संभाल लेंगे, क्योंकि हाँ टीम वर्क तो बहुत ही ज़रूरी है पुलिसिंग में। और मैं मेरा कूल नहीं खोती थी नॉर्मली, यू नो आई वुड नॉट शाउट एट माई ऑफिसर्स इन सच क्राइसिस सिचुएशंस बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ हेल्प। तो मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया उस टाइम पे, हिम्मत बंधाई और एक टीम के रूप में काम करते थे हम लोग। और मुझे यह एहसास है, मतलब अच्छा भी लगता है सोच के, कि जब कभी भी मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स को कुछ काम करने की बात आती थी तो उन्होंने कभी भी मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, वहाँ पर अगर मैं खड़ी हूँ, सीरियस लॉ एंड ऑर्डर भी हो गया है, लेकिन मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स वो हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने मतलब कभी भी ये नहीं कहा, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने मुंह मोड़ लिया हो या वो घटनास्थल छोड़कर चले गए हों। तो इसको मैं मेरा अचीवमेंट ही मानती हूँ और ये टीम वर्क के बिना नहीं हो सकता। नहीं, ये तो मैम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम जान रहे हैं, पर कोई है जो आपको पर्सनली क्लोजली बहुत सालों से जानता है और आपसे बात करना चाहता है? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सिंह है। सीमा सिंह जी बात कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी में। तो हमारे सामने मालिनी जी बैठी हुई हैं, किस तरह से आप इन्हें जानती हैं और क्या कहना चाहती हैं इनके लिए? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैम, बोलिए प्लीज। ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, डिस्टर्बेंस बहुत है लाइन में। अच्छा, मालिनी जी हमारे सामने बैठी हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैम मालिनी, आई हैव नोन हर सिंस द टाइम इन कॉलेज, इन दौलतराम कॉलेज व्हेन ही वाज स्टडीिंग ग्रेजुएशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी। एंड मालिनी इज द बेस्ट फ्रेंड दैट आई हैव। क्या बात है। एंड आई नो दैट शी इज अ वेरी सिंपल एंड अपराइट ऑफिसर एंड इट उनकी एक सिंपलिसिटी है एंड द बेस्ट थिंग which makes her friend of people around her। क्या बात है। तो कॉलेज डेज से आप जुड़ी हैं मालिनी जी के साथ, दौलत राम में शायद आप पढ़ाई करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई खास किस्सा याद आ रहा है उस जमाने का? मैम हम लोग पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती जी, तो मत स्टडीज जो कि साइंस ले रखा था जी, मॉर्निंग 8 बजे से जो कॉलेज में घुसते थे तो 4:30 बज जाता था। और ड्यूरिंग कॉलेज डेज हमको और मालिनी को याद नहीं कि हमने कभी कोई क्लास छोड़ी हो। इतनी लगन के साथ पढ़ते थे, हम लोग को याद नहीं कि हम लोग ने उस कॉलेज में तो मस्तियाँ होती हैं जो बंक करके होती है, वो शायद हम दोनों से नहीं। बट इसके अलावा कैंटीन में जब कभी मौका लगा तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और कभी जब स्कूल की या कॉलेज की छुट्टी हुई तो कभी कभी साथ जाके मूवी भी देखा करते थे। मैम तो सीमा जी हमारे साथ हैं, आप सीमा जी से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सीमा फॉर बीइंग देयर, यू आर द बेस्ट फ्रेंड दैट आई हैव ऑफ कोर्स, एंड मालिनी एंड थैंक्स फॉर स्पीकिंग सो मच फॉर मी, थैंक यू। ओके ओके। तो मैम दोस्ती के नाम कोई गाना याद आ रहा है आपको? ऐसे तो ऐसे तो सीमा जी, सीमा जी कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगी मालिनी जी के लिए? एनी फ्रेंडशिप सॉन्ग? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो दैट वाज सीमा सिंह जी फ्रॉम पटना, पटना बिहार से उन्होंने कॉल किया अपनी बचपन की फ्रेंड जिगरी दोस्त मालिनी जी को, 01412704098 एंड 01412704999, ये दो नंबर्स हैं जिन पे कॉल करके आप भी डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, इनफैक्ट मैम से बात कर सकते हैं। मालिनी अग्रवाल जी हमारे सामने हैं आज शो में, 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर और वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजंस। सो मैम बैक टू क्वेश्चंस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात हो रही थी, आपने कहा कि जो भी जवान हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो आपके साथ बहुत घुले मिले हैं और कभी आप उन पे गुस्सा नहीं करती, नाराज नहीं होती? नहीं, गुस्सा जरूर करती हूँ, मैंने ये कहा जब टीम वर्क आप अपना टेम्परामेंट कभी भी लूज नहीं करती। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, जब उनको मेरे सपोर्ट की जरूरत है उस टाइम पर मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ। बाकी अगर कोई गलती करता है तो गुस्सा भी आता है नेचुरली। अच्छा, नेचुरली वो तो फिर एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस, और उसमें इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और हर चीज़ बहुत कायदे और सिस्टम से चलती है, और वो सिस्टम और कायदा जो है अगर ज़रा भी इधर उधर होता है तो गुस्सा आना लाजमी है। नहीं बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम ये आपका जो जॉब है बड़ा ही अपने आप में चैलेंजिंग है, रिस्क से भरा हुआ है, कभी आपको ऐसा लगा अपराधियों के
पकड़ने में, कहीं आप एक चैलेंजिंग टास्क में लगे हुए हों और अपराधियों को आपकी भागदौड़ हो रही है और आपको लगा ओह कहाँ परिवार भी हमारे पीछे, ऐसा कोई डर इस किसी कोने में आया हो? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं उस टाइम पे आप सब भूल जाते हैं, सिर्फ आपको अपना मिशन याद रहता है। और इनफैक्ट जब वो इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है, जब आप वो सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं, तब आप सोचते हैं अरे हमने तो सोचा नहीं कि पीछे घर पे भी सब लोग हैं। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता है, ऐसा हर एक पुलिसकर्मी के साथ, हर एक पुलिस ऑफिसर के साथ होता है। तो वो एक्चुअली आपका जो पूरा ओरिएंटेशन इस तरीके का हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट एक्चुअली यू लिव फॉर पीपल। मतलब पहला जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है देश की सेवा, जनता की सेवा, उसके बाद आपका परिवार आता है। तो क्यों ना परिवार के बारे में जाने। आपके हस्बैंड से आपकी पहली मुलाकात कब कहाँ हुई मैम? मेरे हस्बैंड और हम दोनों ही लखनऊ शहर से ही हैं जी, राइट, और जानते भी थे, और लेकिन फॉर्मली जो है हम लोग दिल्ली में मिले और फिर उसके बाद में वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बहुत बढ़िया मैडम, आपके जॉब में एक फिट रहना, निरंतर फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और हमने सुना है कि आपको बैडमिंटन खेलना बहुत ही पसंद है, बच्चों के साथ आप खेलती हैं, और क्या क्या आप फिट रहने के लिए दैनिक जीवन में क्या प्रक्रिया अपनाती हैं? मैं बैडमिंटन हाँ बच्चों के साथ खेलती हूँ, कभी स्टाफ के साथ भी खेल लेती हूँ। उसके अलावा मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती हूँ और मुझे मैराथन्स का शौक़ है, तो साल में कभी मौका पड़ता है, जब भी अगर फुर्सत मिलती है तो एक आध कर लेते हैं हम जो इवेंट्स होती हैं जी। और उसके अलावा सेंट्रल पार्क चली जाती हूँ कभी कभी रनिंग करने के लिए, या रोड रनिंग कर लेते हैं, कभी थोड़ा बहुत योगा भी करती हूँ या जिम जाती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि अगर मैं भी रोज सेंट्रल पार्क जाऊँगी तो मैम से मुलाकात वहाँ हो सकती है। मैंने सुना आप नेचर लवर भी हैं, आप गार्डनिंग का भी शौक रखती हैं। हाँ, नेचर लवर इन द सेंस कि जो सब्जेक्ट ही ऐसा था हमारा, तो मतलब यू कैन नॉट इग्नोर इट, राइट? So you tend to see plants and you know that yes, it should, this plant should be here, ये flower यहाँ लगना चाहिए, एक थोड़ा सा दिमाग में idea तो रहता है, तो उस हिसाब से gardening का भी थोड़ा बहुत शौक है। हालांकि अब इतना परस्यू नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है कर लेते हैं कभी कभी। एक आपका शौक है संगीत सुनना और किताबें पढ़ना जी, जी, जी। और एक चाइनीज दार्शनिक हैं सनत जू, उनकी आर्ट ऑफ वार बुक आप को काफ़ी इंस्पायर किया है, तो हम भी ये चाहेंगे आप हमारे साथ शेयर करें, ऐसी क्या वो उसमें मुख्य बातें हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? देखिए आप, मैं तो कहूँगी कि सबको ही पढ़नी चाहिए वो किताब, सन त्ज़ू की है आर्ट ऑफ वार, और बहुत ही खूबसूरत किताब है जी। और उस किताब का जो मूल मंत्र ही है ये है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जी। अगर आप सोचेंगे नहीं, अगर आपके पास विजन नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप जो है कितने भी एफर्ट्स कर लीजिए, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर दीजिए जी, अचीव नहीं कर सकते एफिशिएंटली उस चीज़ को। तो ये बड़ी खूबसूरत तरीके से बात जो है उस किताब में डिस्क्राइब करी गई है, और मैं तो बहुत फ़ैन हूँ और मैंने बहुत बार पढ़ ली है, और मैं उसको मेरी लाइफ में भी अपनाती हूँ। बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर वेरी फोकस्ड एंड यू ऑल्सो नो व्हाट यू हैव टू डू। बिल्कुल, हम डेफिनेटली इस बुक को पढ़ेंगे। मैम एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ये कि आप और आपके हस्बैंड सेम प्रोफेशन में हैं, तो सेम प्रोफेशन में होने के हस्बैंड वाइफ के क्या एडवांटेजेस देखती हैं आप और क्या डिसएडवांटेजेस? ये तो बहुत जनरल बात हुई, लेकिन पुलिस सर्विसेज में होना, कितना क्वालिटी टाइम आप दोनों स्पेंड कर पाते होंगे एक साथ? सी द थिंग इज दैट बीइंग इन द सेम प्रोफेशन हेल्प्स आल्सो इन मेनी वेज, इन द सेंस दैट समटाइम्स वी डू डिस्कस यू नो सिचुएशंस, कुछ आपका प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हम लोग एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं हो पाता बिकॉज नेचुरली अब आप इंसिडेंट प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे हैं, तो आपका अपना लॉजिक ही काम करेगा, आपका टीम है जो उसके मतलब साथ में आप ज़्यादा बैठ के करते हैं, तो इतना तो नहीं हो पाता। बट फिर भी ये है कि बींग इन द सेम प्रोफेशन वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, एंड उससे काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि जिस तरह के वर्क आवर्स हैं, इरेटिक वर्क आवर्स हैं, कोई पता नहीं होता है ना कि आप कब घर आएंगे, कब जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बहुत मुश्किल भी हो सकती है लाइफ। तो एक तो वो है, एक दूसरे का समझ में आता है कि भाई अगर इस तरीके के जॉब में है, अगर मैं भी मान लीजिए रात को 2 बजे तक घर से बाहर हूँ, या मान लीजिए 2 दिन तक घर ही नहीं आई, सो वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्या सिचुएशंस हैं, तो उससे थोड़ा सा ठीक रहता है और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। क्या बात तो है। और नेगेटिव तो यही है कि नेचुरली डिस्टेंस इन द सेंस कि आपके
ज़्यादातर टाइम जो है पोस्टिंग्स अलग अलग रहती हैं, तो वो जो फैमिली टाइम है, क्वालिटी फैमिली टाइम जब भी आपको मिलता है, यू ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। क्या बात है। तो समय की पाबंदी है मैम, चलते चलते कोई मैसेज आप अगर देना चाहें हमारे दर्शकों को, खासतौर से महिलाओं को, लड़कियों को? महिलाओं के लिए मेरा तो यही मैसेज है कि आपको अपने आप को बहुत ही मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि कोई जो है आपको कभी भी इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं कर सके, और ज़िंदगी में कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो आप जो है कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर सकें, क्योंकि आपको मालूम है आप कॉम्पिटेंट हैं और आप हैं, एक्चुअली आप बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एक शॉर्ट मैसेज मैम, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस खो दीजिए। क्या बात है, बहुत खूब मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके हमारे साथ आई, आपने शो के ग्रेस को बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। और दर्शकों से भी इजाजत ले लेते हैं कोमल, आज हमारे साथ शो में रही 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर मिस मालिनी अग्रवाल, जो वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजंस भी हैं। तो आज का शो आपको कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। फिलहाल अनामिका और कोमल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।